देश की राजधानी दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा वार्ड 218 नई सीमापुरी में पीडब्ल्यूडी द्वारा एक नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। नाले से निकलने वाले खतरनाक सरियों से कई लोगों को घायल होना पड़ रहा है, कई लोग चोटिल हो रहे हैं, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। वहीं समय से काम ना पूरा हो पाने की वजह से सीवर और पानी के नल की मरम्मत मकान मालिकों को खुद करवानी पड़ रही है, जिसमें अब तक इन लोगों का लाखों रुपए आम जनता का लग चुका है। पूरी खबर क्या है, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं गुलफाम, क्या कुछ है उस खास रिपोर्ट में वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद गुलफाम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो जाए, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा एक नाले का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य में कितनी लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं, इसका हम सीधा विजुअल आपको अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो यहाँ पर आए थोड़ा सा मेरे नज़दीक और सीधा दिखाएं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस नाले का निर्माण कार्य चालू किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इस नाले के निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर कोई भी लेबर या ठेकेदार या ठेकेदार की लेबर या जई मौजूद नहीं है, परंतु यहाँ पर काम चल रहा है। और काम जो चल रहा है यहाँ पर, ये लोग हैं। भैया आप किसकी तरफ से हो? आप मालिक की तरफ से, दुकानदार की, दुकानदार की तरफ से, दुकानदार की तरफ से। मतलब आप प्राइवेट हो गया? हाँ जी। तो ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? प्लम्बर का काम। प्लम्बर का कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? सीवर कनेक्शन कर रहे हैं सर। सीवर कनेक्शन कर रहे हैं। तो ये हमने लाइव विजुअल आपको दिखाया कि यहाँ पर सीवर का कनेक्शन एक प्राइवेट व्यक्ति कर रहा है। क्या कारण है? क्योंकि इस नाले को बनाया गया था और जिस वक्त इस नाले की खुदाई की गई थी, तो खुदाई करते समय इस नाले के सभी सीवर के कनेक्शन और मीठे पानी के कनेक्शन जेसीबी द्वारा टूट गए थे, जिसके साथ नाला बनाने के बाद उसको दोबारा से बनाने का प्रावधान था, लेकिन नाला बन गया है। सीवर के कनेक्शन यहाँ के लोग खुद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि ये कनेक्शन दिखाएँ। यहाँ पर यह कनेक्शन चल रहा है और ये पानी, मीठे पानी की पाइपलाइन है, ये मीठे पानी की पाइपलाइन है जो अंदर जा रही है। सर क्या नाम है आपका? सर अमित। अमित अमित जी, ये कनेक्शन जो हो रहा है ये आपका हो रहा है? हाँ जी सर। तो ये कनेक्शन जिसने ये नाला बनाया उसने करके नहीं दिया? नहीं। क्या बोल रहे? वो कह रहे हैं काफ़ी टाइम लगेगा इसमें भी। काफ़ी टाइम लगेगा। कब से ये नाला, मतलब कब से ये टूटा हुआ है? मंगलवार से सर, 28 तारीख। तो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर? यही है कि साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे, नहा धो नहीं पा रहे, और ये सब जो भी दिनचर्या का काम होता है अपने पूरे दिन का, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हम ये अपना कनेक्शन अपना आप करा रहे हैं। कितना खर्चा आ रहा है सर? कम से भी कम मजबूरी में मान के चलिए 10,000 रुपये। हाँ जी। ये आप ही कर रहे हैं या और कोई भी कर रहा है? सर सब अपना 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 आप करा रहे हैं। जिन जिन का कनेक्शन टूटा है वो अपना खुद करा रहे हैं? अच्छा, ये एक बड़ी बात है। यानी जिन जिन लोगों के कनेक्शन यहाँ पर जेसीबी से निर्माण कार्य होते समय जो टूटे थे, वो अधिकारियों द्वारा या पीडब्ल्यूडी द्वारा नहीं बनाए जा रहे, स्वयं जो मकान मालिक हैं वो अपने कनेक्शनों को खुद जोड़ रहे हैं। ये आपके सामने हम जीता जागता सबूत अमित जी के माध्यम से आपके बीच में रख रहे हैं। और हमारे बीच में मौजूद है सर, क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से ये कार्य चल रहा है, संतुष्ट हैं आप इससे? संतुष्ट क्या जी, बच्चे लैट्रिन पेशाब सबसे परेशान हो रहे हैं ये तो। अच्छा, कोई कहाँ जाएगा जब ये लैट्रिन का बाथरूम का ये टूट गया है तो कहाँ जाएगा वो? जी, घर में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है, जो दूसरे घर में जाएगा। सबके टूटे पड़े एक तरफ से, ये तो सबके टूटे पड़े। कितने दिन से टूटे पड़े? ये तो 15 दिन से हो गए सबको, तो हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया। हफ्ता 15 दिन हो गया। तो जब से टूटे इनको नहीं बनाया जा रहा है? बनाया जा रहा है, पर वो दीवारी खड़ी कर रही है, पाइपलाइन तो कोई नहीं जोड़ा, लैटरिन
सीवर का कोई नहीं जोड़ रहा सर। अच्छा, खाली दीवार खड़ी कर रहे हैं लेकिन सीवर और जो पानी का जो वो है उस पानी के कनेक्शन पर कार्य नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, तो ये हमने आपके सामने रखा कि जो दीवार है वो दीवार खड़ी की जा रही है, उसके ऊपर लेंटर डाला जा रहा है, परंतु जो सीवर का कनेक्शन है और मीठे पानी की पाइपलाइन है उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। और 10-10 दिन 15-15 दिन ये पड़े रहते हैं, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं दिनचर्या के, जैसे कि टॉयलेट जाना और नहाना, इस तरीके के काफ़ी इसमें कार्य मौजूद होते हैं, उन कार्यों को परेशान होकर उन कार्यों से, ताकि वो कार्य नहीं हो पा रहे, इसलिए परेशान होकर यहाँ के लोग खुद अपने कार्य और अपने कनेक्शन, अपने सीवर खुद रिपेयर करा रहे हैं, जिसमें नामालूम कोई 10,000 खर्चा आ रहा है तो कहीं 15,000 आ रहा है। इस तरीके की इनकी जो जमा पूंजी है वो मजबूरन इनको लगानी पड़ रही है। एक महिला हमारे बीच में मौजूद है, आप यहीं रहती हो क्या मैम? हाँ जी। ये नाला बन रहा है, इससे लेकर क्या कहना चाहिए? मतलब ये जो नाला बन रहा है, आपका मकान कहाँ पर है? इसमें अंदर। अच्छा, इस नाले से कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं दिक्कत है। चलिए, इनका इधर की साइड है इनका, तो इसलिए इन्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम जैनुअल और ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम हर एक व्यक्ति से उसका मत जानने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन से चाहूँगा मेरे सामने आए, मेरे पास आए, उन्हें की पुलिया है, हम भी अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि कैमरा पर्सन इस पुलिया को दिखाएँ। तो यह आप देख भी सकते हैं, पुलिया देखिए, ये देखिए इस जय ने जो ये मतलब किस तरीके से कार्य कराए, आप देखिए ये पुलिया बनाई गई है, यानी कि एक पुलिया में एक जोड़ा जोड़ मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जय साहब इस पुलिया में दो जोड़ लगाएंगे, वहाँ से यहाँ तक आधी पुलिया बना दी है और आधी छोड़ दी है। तो इस जय का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए कायदे में, तो जिसने इसकी अनुमति इस तरीके से इस पुलिया को बनाने के लिए दी है। अगर इस तरीके से पुलिया बनाई जाएगी तो जोड़ बीच में आ जाएगा, और जोड़ आने का कारण है कि पुलिया कमज़ोर हो जाएगी। और ये देखिए, कोई उधर से आ रहा होगा तो वो आने के बाद सीधा यहाँ गिर सकता है, कितना मतलब। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ के लोगों का कहना है कि कल तकरीबन 2-3 वारदात यहाँ होने से बची हैं, तो ये एक बड़ी लापरवाही PWD के माध्यम से की जा रही है और यहाँ की जनता की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। और भी कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, नई सीमापुरी के अंदर ये PWD द्वारा एक नाला बनाया जा रहा है, और इस नाले में कितनी लापरवाही चल रही है इसका भी विजुअल हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर इस नाले का निर्माण किया जा रहा है, और ये देखिए पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, और पानी भरने के साथ साथ इस पर कॉन्क्रीट भी की जा रही है, और सरिये में देख सकते हैं आप धीरे धीरे चटक भी आ रही है। अच्छा भैया, आपसे जानना चाहूँगा, जब ये कंक्रीट करते हैं तो क्या पानी इसमें रहता है? हाँ जी, पानी रहता है इसमें। और ये जो सीवर है ये किसने बनवाया? ये हमने बनवाया भैया, ये 10,000 रुपये लगे इसके। 10,000 रुपये, तो आप देख सकते हैं 10,000 रुपये में ये सीवर बना है, और साथ ही साथ ये पानी भरा हुआ है नाले के अंदर, और उस भरे हुए पानी के साथ यहाँ पर कॉन्क्रीट की गई है। ये जो दीवारें हैं उनको कंक्रीट की गई है, और ये सरिया आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चटक रहा है, जो कि संतोषजनक नहीं है। यानी कि इस सरिये के बराबर में जो ये खाली जगह है, जैसे ही पानी पड़ेगा, पानी पड़ने के बाद इसके बैठने का भी खतरा है, और यदि ये बैठता है और बैठने के बाद इसका पानी इस नाले में जाता है, तो इन ये जो मकान बने हुए हैं बराबर में, इन मकानों को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिस तरीके से ये नाला खुला छोड़ रखा है, सरिये बाहर निकले हुए हैं, यहाँ के लोगों को चोट लग रही है और वो इसमें गिरकर घायल भी हो रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर हैं। ये चोट कैसे लगी भैया आपको? तो ये सरिया लग गया था, ये वाला। हाँ जी, ये सरिया लग गया था, ये वाला। अच्छा, जब आप उतर रहे थे या निकल रहे थे तो आपको सरिया लग गया? बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चे को भी बता रहे हैं कि चोट लगी है। कहाँ पर है? ये वाला घर में। किधर है भैया?
ये देखिए बेटा, आपके चोट लगी है। माता जी एक मिनट इधर आओ आप। हाँ, इधर आधा पड़ा हुआ है, चोट लगने की खतरा है, आशंका है, आप भी मत आना। अच्छा ऐसे ही बता दो, ये लड़का जो है इसके चोट कैसे लगी? सर यहाँ पे रास्ता बना हुआ नहीं था, हम लोगों ने बोला कि बेटा आप नाली बना रहे हो तो इस रास्ता बना के जाओ। हाँ। उन्होंने बनाया नहीं, हम 2 रुपए देने को तैयार थे लेकिन उन्होंने रास्ता बनाया नहीं। बच्चा आ रहा था सामान लेके, गिर गया इसमें, और वो तो बच गया तो पेट में चला जाता। सर बच्चा मर जाता तो फिर हमें ये लोग बच्चे देते क्या? फैमिली ऊपर रहती है? हाँ जी, फैमिली ऊपर रहते हैं। अच्छा ये जो सीवर का कनेक्शन है और उसका है, उसमें कुछ प्रॉब्लम, उसको परेशानी हो रही है? हाँ सर परेशानी है, हम गरीब आदमी, हमारे आगे पीछे कोई नहीं। मैं चाहती हूँ इसे बना के दिए, वो उन्होंने तोड़ा है तो इन्हें बना के दे। अच्छा। मैं ये चाहती हूँ पानी और सीवर का कनेक्शन मुझे चाहिए। सीवर का कनेक्शन अभी नहीं हुआ है? नहीं जी, किसी चीज़ का पानी का भी कनेक्शन नहीं है, सीवर का भी कनेक्शन नहीं है। लेटिंग पे सब जाने में पानी पीने बहुत परेशानी हो रही है। कितने दिन से नाला टूटा हुआ है? सर ये 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से टूटा हुआ है और अभी बना भी नहीं है? नहीं सर बना भी नहीं। यानी 4-5 दिन तो ये टूटा हुआ हो गया, और बनने में भी यदि 4-5 दिन लगते हैं तो तकरीबन, जी 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 जी, क्या 10-12 दिन हो गए? 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए इसको? हाँ काम चलते चलते ये तो 10-12 दिन से ये काम चल रहा है, और उसके बाद ये बच्चे अभी 10 दिन और 5 दिन और लग सकते हैं इसको बनने के लिए। लैट्रिन पेशाब करने के लिए बहुत, अब लैट्रिन पेशाब करने वाली जो समस्या, ये बता रहे हैं कि टॉयलेट जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, तो क्या आँख मीच कर यहाँ के अधिकारी बैठे हैं? बाहर जाए तो कहाँ जाए? क्या इन अधिकारियों को ये नज़र नहीं आ रहा कि ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, उनके दिनचर्या की डेली की जो व्यवस्था होती है, डेली के जो कार्य होते हैं उनको भी डेली करना होता है, तो कब तक एक महिला, एक बच्चा, एक बुजुर्ग इस परेशानी का सामना करता रहेगा? ये एक बड़ी बात है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए और साथ ही साथ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस खबर पर पूरी जानकारी और पूरी अपडेट हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, जब तक इस नाले का निर्माण सही तरीके से नहीं होता है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ मैं मोहम्मद गुलफाम।